A sail, initial velocity of the sail. ठीक है चलो, ए सेल है मास 200 ग्राम इजेक्टेड फ्रॉम ए गन. ठीक है चलो, एक गन है. अब मैं पूरा गन तो बनाऊंगा नहीं, ठीक है. तो ये गन है और यहां से एक सेल, सेल मतलब यहां से गोला, बुलेट, यहां से इस तरह से बुलेट आगे जा रही है. ठीक है, ये तो ये गन है और यहां से हमने बुलेट शूट किया. द सेल ऑफ मास टू, ये जो सेल है वो 200 ग्राम का है, 200 ग्राम का, ध्यान देना. इजेक्टेड फ्रॉम ए गन ऑफ मास 4 kg, जो गन है वो खुद का मास है उसका 4 kg. दैट जनरेट 1.05 किलो जूल एनर्जी. मतलब देखो, हमने एक बम पे यहाँ से बम टाइप सेल रिलीज किया और कुछ टाइम बाद सेल फूट जाएगा. ठीक है भाई, होता है ना लड़ाई उड़ाई होती है पाकिस्तान वगैरह से, तो क्या होता है. ठीक है, हमने यहाँ से बम फायर किया और ये यहाँ से जाके फूट जाएगा. अब जब वो फूटेगा तो मुझे एनर्जी मिलेगी. कितनी एनर्जी मिली टोटल यार, टोटल एनर्जी मिली मुझे, ठीक है, 1.05 किलो जूल. तो किलो जूल मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो 1.05 × 10³ 1000 जूल से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 1050 जूल, 250 जूल एनर्जी रिलीज हो गई होगी. ठीक है, जब इससे तो दैट इज द टोटल एनर्जी. ये एनर्जी पहले कहाँ थी यार, ये एनर्जी बुलेट और गन के सिस्टम में थी. ठीक है, बुलेट और गन के सिस्टम में थी, तो ये टोटल एनर्जी इतना रिलीज हुई बम जब इसे निकाल दिया गया. तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं एनर्जी कंजर्व करा दूँ. जब ये यहाँ से, हमको पता है कि जब यहाँ से बम ये फायर किया जाता है तो जो ये जो गन है उसकी वेलोसिटी V1 इधर मान लूँ, तो बुलेट है उसकी वेलोसिटी मैं V2 इधर मान लूँ. गन और बुलेट की अपनी अपनी वेलोसिटी, अपना अपना मास है. और ये जो एनर्जी आया शुरू शुरू में क्या था, रेस्ट में थे यार. शुरू शुरू में क्या थे, रेस्ट में थे. अगर शुरू शुरू में रेस्ट में थे तो टोटल एनर्जी जब हमने इसको फायर किया तो यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी बनी दैट मस्ट बी इक्वल टू दिस एनर्जी. तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी जो इसमें काइनेटिक एनर्जी रिलीज हुई वो हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर दैट इज मस्ट बी इक्वल टू 1050. ठीक है, इनिशियल यही तो काइनेटिक एनर्जी बनी यार, गन इधर जाएगा बुलेट इधर जाएगी. अब हमें क्या करना है, इसमें दोनों का मास दिया हुआ है, दोनों की वेलोसिटी, इसमें से दोनों की वेलोसिटी नहीं पता भाई. ठीक है, मास एनर्जी फ्रॉम गन 4 kg एक्सप्लोजन जनरेट इतना की इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेल. हाँ, सेल की वेलोसिटी निकालना है. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेल मतलब हमारा टारगेट है V2 निकालना. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि V2 कहाँ से निकलेगा भैया. V2 तब तक नहीं निकलेगा जब तक मेरा V1 नहीं निकलेगा. तो V1 निकालने के लिए एक और इक्वेशन हम लोग लगाते हैं, एक काम करते हैं मोमेंटम कंजर्व करा देते हैं. मोमेंटम कंजर्व भाई, बुलेट गन मास सिस्टम एक सिस्टम है तो मोमेंटम कंजर्व होगा. तो बाय मोमेंटम कंजर्वेशन, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इन दोनों का कितना था, 0 था. फाइनल मोमेंटम भी 0 ही होगा. तो फाइनल मोमेंटम 0 होगा तभी होगा जब इन दोनों का मोमेंटम बराबर होगा. मतलब M1 V1 मस्ट बी इक्वल टू M2 V2. बाद में वैल्यू रख दूंगा यार. ठीक है चलो, तो इसका मतलब ये हुआ हमें V2 चाहिए. तो यहाँ से V1 की वैल्यू आ जाएगी M2 V2 और डिवाइडेड बाई M1, और ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2. और इस 2 को उठा के यहाँ रख देते हैं फर्स्ट में. ठीक है, तो अगर मैं इसको उठा के यहाँ रख दूँ तो मुझे V2 पता चल जाएगा. तो हाफ M1 और V1 की वैल्यू स्क्वायर इसका M2 स्क्वायर एंड V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई M1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर और 1050 ये. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, हाँ इसका मतलब ये हुआ यहाँ से मैं V2 कॉमन ले लूँ, जो कॉमन है उसको कॉमन ले लो. ये M1 ने M1 को यहाँ ख़त्म कर दिया और 1/2 कॉमन है, साथ V2 कॉमन है. ठीक है, तो V2 स्क्वायर कॉमन है, यहाँ बना M2 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई M1
और प्लस यहाँ बना M2 और इधर आ गया 1050, ठीक है। अब सॉल्व कर लोगे ना, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो V2 की वैल्यू आ जाएगी, V2 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी, ठीक है, 2 टाइम्स M1 1050 डिवाइडेड बाई M2 स्क्वायर और प्लस M1 और M2। अब फाइनली वैल्यू रख दो, ठीक है, अब फाइनली वैल्यू रख दो और रूट ले लो M1 और M2। M1 किसको माने थे आप, ठीक है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता M1 किसको माने थे। यहाँ पे M1 4 kg है, M1 4 kg है और M2 200 ग्राम है, तो 4 kg और 200 ग्राम इसमें रखो, तो यहाँ से आ जाएगा 2 × 4 kg, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई 1050, ठीक है, और ये आ जाएगा 2 × 10^2 ग्राम था माइनस 3 kg का स्क्वायर और प्लस 200 ग्राम 2 × 10^3 माइनस 3, ठीक है, और ये आ जाएगा 4 kg, ठीक है। तो ये पूरा सॉल्व कर लेना, मैं डायरेक्ट पूरा सोल्यूशन लिख लेना इसका, तो जो V2 आ जाएगा, ठीक है, पूरा सोल्यूशन लिख लेना इसका, जो V2 आ जाएगा वो आ जाएगा 100, ठीक है। ये देखना सॉल्व करना है इसको, 100 मीटर पर सेकंड आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है जो कॉन्सेप्ट था, आप यहाँ मैंने समझा दिया, एक कॉन्सेप्ट एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया, मोमेंटम कंजर्व करा दिया, दैट इज यहाँ से सी ऑप्शन सही है, ठीक है, चलो।